नाम में क्या रखा है बात करते हैं काम की। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पिकसार्ट एप्लीकेशन से एक फोटो को कट करके दूसरी फोटो में पेस्ट कैसे करें। मान लो आपने एक फोटो से किसी को कट करके दूसरी फोटो में ऐड करना है तो कैसे करोगे, सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले अगर आपके पास पिकसार्ट एप्लीकेशन नहीं, प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने टाइप कर देना, काफ़ी फेमस एप्लीकेशन है, आपको पता ही होगा इसके बारे में, बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं। चलो फिर भी कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता, ठीक है ना, वो पहचान कर लो इस एप्लीकेशन की। इसे इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद करना है ओपन। जहाँ मैं कर लेता हूँ ओपन, ये पड़ा है, इसे मैं करता हूँ ओपन। तो अगर आप फ्री में यूज कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐड वगैरह तो आते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब जहाँ ऊपर क्रॉस का आइकन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। अपने इंटरनेट को ऑन रखिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आप नीचे देखिए जो इसमें प्लस का आइकन बना हुआ है, देखिए एप्लीकेशन में जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ऊपर, तो जहाँ आपके मोबाइल की गैलरी में जो भी फ़ोटो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उसके बाद वीडियो दिखाई दे रही हैं, उसके बाद नीचे आपको काफ़ी सारे फ़ोटो वगैरह दिखाई दे रहे हैं जो पिकसार्ट एप्लीकेशन की तरफ से दिए जा रहे हैं आपको चूज़ करने के लिए। अगर आप चूज़ करना चाहते हैं इनमें से कर सकते हैं, ठीक है। फ्री फ़ोटो लिखा हुआ है जहाँ पे, उसके नीचे बैकग्राउंड है। अब एक फ़ोटो मैं पिकसार्ट से ले लेता हूँ, मान लो, ठीक है, एक फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब क्रॉस कर देता हूँ, ऐड आ गया, इसे क्रॉस कर देता हूँ जहाँ से। जो मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया वो यहाँ पे आ चुका है। अब इस फोटो में दूसरा फ़ोटो ऐड करना है, मैंने अपना खुद का ऐड करना है, तो कैसे करोगे उसके लिए देखिए नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे जो भी ऑप्शन वगैरह है आपने क्या करना है, आपने नीचे जहाँ ऐड फ़ोटो ढूंढना है, ऐड फ़ोटो लिखा हुआ, उस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद जब मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, या मैं अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक किया, उसके बाद ऐड पर क्लिक किया, फ़ोटो ये आ चुका है। अब इसको कट आउट करना है, ठीक है। नीचे ऑप्शन है, देखिए जहाँ कट आउट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिए। अब जहाँ पर्सन पे क्लिक कीजिए, थोड़ी सी लोडिंग होगी, इंटरनेट को ऑन रखिए। अब देखिए ये रेड हो चुके हैं, जहाँ जहाँ पर्सन खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ और मेरा दोस्त, वो रेड हो चुके हैं। अब नीचे पर व्यू पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड गैप हो चुकी है। अब सेव पे क्लिक करना है, राइट साइड ऊपर यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो आ चुका है यहाँ, देखिए दूसरे फ़ोटो के बीच। अब इसको सेट करके जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिए इस तरह से, एक मिनट, सेट करके लगा लीजिए। लगाने के बाद ऊपर देखिए ओके लिखा हुआ है, ओके का आइकन, इस पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप एक फ़ोटो में दूसरे फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं, अच्छी तरह से कीजिए, ठीक है, तो और भी अच्छा होगा। देखिए ये फ़ोटो कितना अच्छा ऐड हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगा के करोगे और भी अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद इसको सेव करने के लिए राइट साइड ऊपर जहाँ पर क्लिक कीजिए, इसमें फिर से ऐड वगैरह आ सकते हैं, इसको फिर से क्रॉस कीजिए। अब नीचे सेव आ चुका है, सेव पे क्लिक कीजिए, एक बार फिर से सेव पे क्लिक कीजिए, आपका फोटो सेव हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो।